नमस्कार वीटीवी न्यूज साथ हूं मनीषा। विगतवार समाचार की शुरुआत में बात करीशुं। राज्य सहित देशभर में दिवसे दिवसे अकस्मातों बनावों वधता जई रह्या छे, त्यारे वधु एक अकस्मात नो चौंकावनारो वीडियो वायरल थयो छे। अमे आपने जणावी दईए आ वीडियो क्यानो छे तेनी पुष्टि हजु सुधी करवामां नथी आवी। जो के वायरल थयेला वीडियो में स्पष्ट देखाई रह्यु छे के वेगनर चालके काबू गुमावता एक ईसम रीतसर कचड़ायो छे। कार एटली स्पीड में हती के ज्वेलर्स ना शोरूम नो कांच तूटी गयो अने अंदर बैठेला वेपारीओ थी लई ग्राहकों पण गभराई गया। एकाएक बनेली घटना ने लई पहला तो सौ कोई अचंबा में मुकाई गया हता, जो के बाद में घटनास्थल पर हाजर लोगोए अकस्मात में भोग बनेल ईसम ने उभो करी प्राथमिक सारवार अर्थे खसेड़वानी तजवीज हाथ धरी हती। नरेंद्र राठौड़ अमारी साथे फोन लाइन पर जोड़ाया छे, आपणे वधु माहिती तेमनी पासेथी मेळवीशुं। नरेंद्र, एक वीडियो वायरल थयो छे, ज्वेलर्स ना शोरूम में एक कार घुसी गई छे। आ कार केवी रीते बेकाबू बनी, ड्राइवर नी बेदरकारी सामे आवी छे के पछी कया कारणोसर आ अकस्मात सर्जायो? जी, आ प्रकारनो एक वीडियो वायरल थयो छे। सूरत ना जे विविध जे मीडिया छे एनी अंदर आ वीडियो वायरल, सोशियल मीडिया में वायरल थयेलो आ वीडियो जोवा मळी रह्यो छे, के जेमा एक वेगनर कार चालक छे ते एकाएक काबू गुमावता त्यां बहार ज ज्वेलर्स नी शॉप छे त्यां बहार उभी रहेला एक व्यक्ति ने आवीने अथड़ाय छे, अने त्यारबाद ए वेगनर कार जे छे ते ज्वेलर्स नो जे शोरूम छे एनी अंदर घुसी जाए छे अने अफरातफरी नो माहौल मची जाए छे। एक जे व्यक्ति बहार जे ज्वेलर्स नी शॉप नी बहार उभेलो छे तेने अथड़ाईने ज्वेलर्स नी शॉप मां कार घुसी जाए छे, तेना कारणे जे व्यक्ति छे ते पण नीचे पटकाई जाए छे। ए रीतनुं स्पष्ट समग्र बाबत जे छे ते सीसीटीवी मां जोवा मळी रही छे। जो के आ वीडियो क्यानो छे, कई जग्यानो छे, जे व्यक्ति ने वाग्यु छे ए कोण छे अने जेना द्वारा एक्सिडेंट करवामां आव्यो ए व्यक्ति कोण छे, ए प्रकारनी माहिती अत्यारे बहार नथी आवी रही। परंतु आ प्रकारनो जे वीडियो छे ते जरूरथी सूरतमां वायरल थई रह्यो छे अने एक चर्चानो विषय पण अत्यारे बनी रह्यो छे के क्यानो आ वीडियो छे। आ सिवाय आजे पण एक एक्सिडेंट थयो हतो जेनो પણ આવી, પરંતુ એક ડ્રાઈવરની બેદરકારીના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક કાર બેકાબુ બની છે, એક જ્વેલર્સમાં કાર ઘૂસી ગઈ છે, ત્યાં બહાર ઉભેલા એક વ્યક્તિને ઈજા પણ પહોંચી છે। આ સાથે જ્વેલર્સમાં હાજર તમામ લોકો પણ ગભરાઈ ગયા હતા, જ્વેલર્સનું કાચ પણ તૂટી ગયો છે। આ દ્રશ્યમાં તમામ વસ્તુ જોઈ શકો છો।